हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो भाई? हो आप सब अच्छे ही होंगे। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रक स्क्रीन पे। मैं आपका भाई संजीव शर्मा बोल रहा हूँ। तो अभी हम पहुँच चुके हैं पाली में। पाली पार करके होटल है पीछे। होटल पे चाय चुई पी है, सुबह थोड़ा मुँह हाथ धोया है मैं, थोड़ा सा यार फ्रेश बोलें थोड़ा। तो उसके बाद अभी हम इधर से वापस निकलने वाले हैं। तो रात को पीछे ही सो गए थे, अभी चलते हैं आगे का ही बताता हूँ मैं आपको। तो ठीक है भाई, थोड़ा भाई को सपोर्ट बनाए रखें। तो बताता हूँ मैं आगे का व्यू भी आपको, तो एंजॉय कीजिए भाई साहब आगे का। उधर से निकल आए हैं हम अब। तो अभी हम चल रहे हैं आगे, थोड़ी सी मार्केट है पुल के नीचे, पता नहीं कौन सी मार्केट है, जाने ऊपर वाला यार जाने मार्केट वाले। तो हमें तो जानकारी नहीं है कौन सी है कौन सी नहीं। तो फिलहाल हम चल रहे हैं ये जैसे लकड़ियों की, तो चल रहे हैं फिलहाल लगातार। तो आप एंजॉय करिए भाई साहब, यही नज़ारा है जिंदगी का, इसलिए मजे लीजिए। तो ऐसी बात नहीं है, तो हम आपको आगे भी बताएंगे भाई, देखिए देखिए मजे मजे। तो चलते हैं फिर आगे भाई साहब, हम लगातार चल रहे हैं। तो यहाँ का थोड़ा बाहर का नज़ारा बताता हूँ मैं। मंदिर है पहाड़ी पे, तो है देखिए आप यहाँ का नज़ारा। मंदिर बनाया हुआ है, पानी की टंकी भी है, तो कितना अच्छी जगह लग रही है। चलो आगे बताते हैं भाई साहब, देखिए यहाँ के ब्यूटी, क्या नज़ारा लग रहा है यार, क्या सीन है। इधर थोड़ा गांव है मेरे हिसाब से। चल रहे हैं फिलहाल लगातार ही यार, जगह किशनगढ़ के लागे लोग ही है कि पहुंचन पहुंचन आए हैं, या कि बाईपास चली जाते हैं बस। यही जाए धक्का है साढ़े ना, बाकी सू पता भी सही गल आप बनी, क्योंकि मैं थोड़ा जहा इधर पहुंचते बिजी सी, ध्यान नहीं दिता ज्यादा यार। चलो कोई गल नहीं, दसते हैं थोड़ा अगे भी, तो देखते रहो तुम सारा। छोटी मोटी बारिश भी लगी है, बाकी रोड का तो व्यू घेंट ही दिखता वा। देखो उत्ते फ्लाईओवर से उत्ते में गड्डी जान नहीं वा। दसदे थोड़े होर भी वीरे, टेंशन ना लो महाराज, मत घबराओ, आई टाइम है दसन का, इस टाइम वीडियो दसागे थानू, थोड़ा भी दिल लगे रहूगा भी अब साढ़े इलाके की वीडियो आ रही है इंडिया दिया। चलो भाई कोई गल नहीं, दसदे थानू अगे भी, बने रहिए तुसी साढ़े ब्लाक के उत्ते। अभी हम पहुंच चुके हैं होटल पे, तो इधर ही क्या नाम उसका किशनगढ़ में, इधर ही मैं होटल में नहाए हुए हैं अभी फ्रेश हुए थोड़े। तो मैं सोचा चलो होटल खाना खा लेते हैं, पीछे दिख रहा होगा वो होटल ढाबा, तो ढाबे पर इधर लगाई हुई हमने ये पीछे गाड़ी। तो अभी हम चलते हैं खाना खुना खा के आते हैं, फिर हम आपको आगे का भी बताएंगे। अब खाना शाना आ चुका है, प्याज भी आ चुका है, तो सब्जी सब्जी भी आ चुकी है। अभी हम खाना करने लगे शुरू, तो उसके बाद हम आपको आगे का भी बताते हैं। तो देखते रहिए कंटिन्यू साहब। अभी हम खाना खुना खा के आ गए हैं, तो अभी हम निकल चुके हैं वापस आगे सफ़र तय करने के लिए। तो चल रहे हैं हम आगे भी आपको बताएँगे। फिलहाल बहुत आ रहा है, पता नहीं कहाँ का देखते हैं। वैसे रोड मस्त है यार, सिक्स लाइन एरिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं।
बताएंगे आपको करिए। भाई साहब अभी हम चल रहे हैं रिंग रोड पे जयपुर बाईपास ही समझ लो, वैसे सिटी रही उस साइड, तो हम चल रहे हैं इधर रिंग रोड पे, ना इधर से आने का रास्ता ना जाने का, अब कट मिलेगा मैं तो ताई उधर से उतर सकते हैं तभी तो, ना तो इसी पे चलते रहेंगे। बताते हैं हम आपको आगे का भी, तो बने रहिए आप हमारे साथ। भाई साहब सुबह के लगातार चल रहे हैं, अभी टाइम हो रहा है 4:30, ऊपर से तो बैठ बैठ के ना बहुत बुरी कंडीशन हो गई है यार, क्या बताऊँ आपको। तो चलो फिर भी हिम्मत नहीं आ रहेंगे, आखिरी मंजिल तक पहुँचना है हमको, आखिर जाओ आखिरी मंजिल नहीं मतलब आखिर मंजिल तक। बाकी चल रहे हैं लगातार, आप देखिए बाहर का नज़ारा भाई साहब, ये नज़ारा ऊपर देखो आसमान की ब्यूटी कितनी जबरदस्त लग रही है। अभी थोड़ी देर तक आगे चाय पियेंगे, तो बाहर का कुछ ऐसा रहा सिस्टम, तो लगातार चले ही आ रहे हैं भरा जी, दसी आगे आगे चौक, चौक एक बार असं टू टांग कर देना इं करके, फिर अं धर लेनी है ताकि सानू ब्रेक मार की परेशानी ना कि जाए। बाकी थानू दस दें अगे भी, देखो भाई साहब फिर हम आपको आगे भी बताएंगे, तो देखते हैं तो वो आप तो हम चलते रहते हैं और क्या हो सकता है भैया। चलो ठीक है फिर आगे भी बताते हैं। हम होटल पे पहुँचे हैं, मैं सोचा थोड़ा चाय पी लें यार, सुबह से चल रहे हैं खाना खाने के बाद लगातार थक गए थे यार, मैं थोड़ी चाय पीते हैं थोड़ा फ्रेश हो जाता आदमी, तो इधर का रहा बाहर का कुछ ऐसा नज़ारा, चाय चुय पी लेते हैं तो उसके बाद फिर चलते हैं वापस, तो आगे का बताएंगे हम आपको। भाई साहब अभी दो साझे थोड़ा पीछे हैं, तो चल रहे हैं रेगुलर चल रहे हैं, तो अभी मैं सोचा यार सुबह 8 बजे का बैठा हुआ था, 5:30 जो चाय चुप भी 6 बजने वाले हैं ऊपर से, मैं चलो अब थोड़ी देर तो रेस्ट करते हैं, अनुज को देते हैं, मैं थोड़ा अनुज भी चला ले गाड़ी, अभी अनुज भाई चला रहा है, कैसा फील हो रहा है भाई? भाई ले लेने के मुकाबले मज़ा नहीं आ रहा। नहीं यार बहुत बड़ी कंडीशन, बहुत बैड कंडीशन बता रहे हैं यार, क्या दसीए थानू, सानू तो कोई फर्क नहीं है यार, अभी जी भी है चलानी है, चक्कर है चलाँगे तो रोजी रोटी जारी है ना साडा खर्चा पानी चलता रहूंगा, बाकी बाहर का नज़ारा भी देखो। आपको आगे भी बताएंगे हम आपको सर, देखिए। भाई साहब अभी हम पहुंच चुके हैं ददुआ पाली रोड पे, तो बाकी टाइम अभी हो रहा है 12:10 हो चुके हैं भाई साहब, तो कम से कम भी कोई 16-17 घंटे लगातार गाड़ी चलाने के बाद सो जाते हैं यार, बाकी ब्लॉग व्लॉग सुबह ही एडिटिंग कर लेते हैं, कर लेंगे, तो बाकी फ्रेंड्स देर ना करते हुए तो इस ब्लॉग को करते हैं हम यहीं से एंड, तो गुड नाइट फ्रेंड्स, फिर ओके दीजिए इजाज़त मेरे को, क्योंकि फिर मैंने सोना भी है अभी 2 घंटे में, वापस फिर से 4 बजे उठ के चलना है वापस, तो आगे जाना है, तो ठीक है फ्रेंड्स गुड नाइट ओके।